दोस्तों द मस्त खन्ना डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम से मैं विमला शर्मा आज आपके सामने मेरी एक और रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ, जिसका नाम है साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी के लिए हमें चाहिए साबूदाना। ये मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो के रखा था। भिगोने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा दो बार धो लो इस पानी से बिना हाथ लगाए, बस ऐसे ऐसे करके, और ऊपर ऊपर का पानी निकाल दो और थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहने देना, थोड़ा सा, बहुत कम, बस ये हल्के से भिगे हुए हो, और फिर 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दो। तो ये देखिए मैंने भिगो के रखे हैं और एक एक दाना खिल गया, देखिए आप, एक एक दाना खिला हुआ इसका, एक एक दाना ऐसे ऐसे खिले हुए रहने चाहिए। ये 250 ग्राम वो है साबूदाना, एक आलू कटा हुआ है चिप्स में, फिर हमें चाहिए हरी धनिया गार्निश के लिए आधा नींबू, फिर हरी मिर्च है, दो हरी मिर्च ली हुई है जिसको मैंने कूट के रखा हुआ है, मतलब आप काट भी सकते हो बारीक बारीक, लेकिन मैंने क्रश करके रखा हुआ है कूट के। जीरा चाहिए छौंकने के लिए, फिर नमक 1 टेबल स्पून, फिर थोड़ी सी शुगर, फिर ये मूंगफली का सिक्की भी, मूंगफली का कुटा हुआ दरदरा किया हुआ पाउडर है, फिर थोड़ी सी काली मिर्च है आधा टी स्पून, और एक पोटैटो है जो मैंने छील के धो के और काट के रखा हुआ है। और मैंने ये एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब हम ऑयल को गरम कर लेते हैं। मेरा तेल अब गरम हो गया है, अब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। जीरा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्यादा ही डालती हूँ, 1 टीस्पून डालती हूँ। आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो। और जब ये जीरा ब्राउन हो जाए, हल्का सा बस ब्राउन करना है, तब आप ये पोटैटो डाल दीजिए, और पोटैटो को जब तक भूनिए जब तक ये ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाए, और चाकू लगा के देखिए सीज गए क्या, अगर पक गए हैं जब तक हिलाते रहिए जब तक ये थोड़े क्रिस्पी नहीं हो जाए ब्राउन ब्राउन, इनको हमें ब्राउन करना है। हमारे आलू अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और कुक मतलब बन के तैयार भी हो गए हैं। अब इसमें आलू ये एक चाकू चुभो के देखिए, अगर देखिए पक गए आलू, आलू हमारे पक गए। अब इसमें मैं साबूदाने डाल देती हूँ। साबूदाने डाल के अच्छे से हिला लेती हूँ। ये देखिए ये साबूदाने 3-4 घंटे भिगोए हुए हो तो अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनती है। पानी बिल्कुल कम रहना चाहिए इसमें। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ कुटी हुई है, फिर इसमें मूंगफली का पाउडर दरदरा किया हुआ, नमक और काली मिर्च, ये सब डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहो तो मूंगफली का पाउडर और भी डाल सकते हो, मूंगफली के पाउडर से ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब पीनट पाउडर बहुत अच्छा लगती है ये साबूदाने की खिचड़ी में। ये कुटी हुई मिर्ची और मूंगफली का दरदरा कुटा हुआ पाउडर तो बहुत जरूरी है। हमने सब कुछ मिक्स कर लिया, अब एक ढक्कन में इसके ऊपर ढक्कन रख के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और वेट रख लेते हैं ताकि ये भाप में सीझती रहेगी, बहुत अच्छी पकनी है, मतलब भाप में पकेगी ये, और पक के दाना लगे बस 5-10 मिनट के लिए ऐसे रखना है कवर लगा के। कवर में पानी थोड़ा सा डाल दिया है और फिर ऊपर वेट रख दिया है जिससे अंदर स्टीम में ये बनती रहे, स्टीम में बहुत अच्छी बनती है ये। बीच बीच में हमें इस तरह से खिचड़ी 1-2 मिनट में देख के हिलाते रहना है, नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाती है। फिर वैसे ऑलमोस्ट बन गई है हमारी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। इसको आप वैसे तो उपवास में लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो आप खा सकते हो।
अच्छा मैं इसमें साधारण नमक डाला है, आप चाहो तो उपवास का नमक भी डाल सकते हो। देखते हैं कि हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। हाँ ये देखिए, अब हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। कैसे पता चलेगा? ये देखिए, साबुदाना बिल्कुल यूं करो तो यूं हो जाता है, बिल्कुल सीख हो गया, बनके तैयार हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। देखिए साबुदाने पूरे। फिर अब इसमें हम थोड़ी शुगर डाल देते हैं, 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, आप नहीं, क्योंकि मुझे तो ये पसंद है थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट, इसलिए मैं डालती हूँ। और लास्ट में नींबू, आधा नींबू। फिर हम अच्छे से इसको हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। ये सभी को बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी, और मुझे तो है ही पसंद, लेकिन मेरे परिवार में सबको पसंद है। मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज, उपवास में तो करीब करीब सभी लोग खाते ही हैं ये, लेकिन आप बिना उपवास के भी बना के खा सकते हो इसको। चाहे दही के साथ खा लो, दही चाहे आप हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसको खाइए और एंजॉय करिए और अपने परिवार को भी खिलाइए। सब देखे हमारी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ खिचड़ी। धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इसको।